नेपाल जिंगल के राजनीतिक संरक्षण में विधानसभा क्षेत्र में बजरी का अवैध खनन कराकर बजरी माफियाओं के साथ मिलकर सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा रहा है और बजरी माफिया उसे अपना हित साधकर भारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। विधायक ने बजरी माफियाओं गिरोह के साथ मिलकर आतंक मचा रखा है। इस आतंक का सामना वहां की जनता और हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त कमिश्नर जो कि जांच करने आए थे उनकी गाड़ी के सामने बजरी माफियाओं के गिरोह के साथ मिलकर विधायक ने कमिश्नर की गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा ली और उन्हें डराया धमकाया। कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में मैं यह सब कुछ लिखा और कहा 2014 से कपासन विधानसभा क्षेत्र के राशमी एरिया में बजरी माफियाओं के आतंक की रिपोर्ट दी थी। विधायक जनगण में कमिश्नर के द्वारा जब जेसीबी को छोड़ने के लिए धमकी दी लेकिन कमिश्नर ने उसको नहीं छोड़ा। यह घटना उस समय के सारे समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई। जाने माने अखबार दैनिक भास्कर में भी इस की खबर छपी थी। माफिया और विधायक अर्जुन सिंगर का क्षेत्र में बजरी का अवैध खनन में शामिल होना, विधायक जिंगर के अवैध बजरी परिवहन, 1015 डंपर और जेसीबी साधन लगे हुए हैं। विधानसभा क्षेत्र के आम लोगों में यह धारणा बनी हुई है कि विधायक अर्जुन जिंगर ने बजरी माफियाओं को और उन्हें सपोर्ट करते हैं और बनास के 618 हेक्टेयर में अवैध खनन किया जा रहा है। इससे सरकार को 15 करोड़ की रॉयल्टी का नुकसान हो रहा है। विधायक अर्जुन लाल जिंगर ने जिला स्तर पर गठित सरकारी कमेटियों में अपनी भाई भतीजों को लगा रखा है। विधायक जिंगर ने विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के वरिष्ठ एवं सक्रिय कार्यकर्ताओं को अनदेखी कर जिला स्तरीय समिति में अपने परिवार के लोगों को नियुक्त करवाया है। भाजपा के आम कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है और काफी नाराजगी भी है उनको लेकर। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री की राजस्थान गौरव यात्रा कांकरोली में हुई। विधायक अर्जुन लाल जिंगर ने सभा में कार्यकर्ताओं के जाने के लिए कोई साधन नहीं लगाया जिस कारण कपासन विधानसभा क्षेत्र के कोई भी बीजेपी कार्यकर्ता को राजस्थान गौरव यात्रा में शामिल होने से वंचित होना पड़ा। श्रीमान विधायक अर्जुन जिंगर के उक्त तथ्यों को देखते हुए गंभीरता से विचार कर आगामी चुनावों में भाजपा के हित में निर्णय लेना आवश्यक है। कपासन विधानसभा से कार्यकर्ताओं और जनता नहीं चाहती कि विधायक अर्जुन राव जिंगर ने क्षेत्र से इन्हें फिर से टिकट मिले। किसी नए चेहरे को अब कपासन विधानसभा देखना चाहती है।